नरवत जनपद की ग्राम पंचायत हथेड़ा में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए दो सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है, लेकिन यहां पानी की सुविधा तक नहीं है, जबकि पूरी राशि 3,48,000 रुपए निकाली गई। फिलहाल परिसर को ताला लगाकर छोड़ दिया है, लेकिन निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ विकास के दावे खोखले साबित हो रहे। वहीं इसी पंचायत के मिहावरा गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। यहां सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने बिल बाउचर लगाकर निर्माण कार्य के लिए 2,99,000 से अधिक की राशि पंचायत खाते से निकालकर भुगतान कर दिया है, लेकिन यहां पर स्वच्छता परिसर के नाम पर सिर्फ 2 कमरों का निर्माण किया गया है, जहाँ अभी तक ना ही सीट लगाई गई है और ना ही दरवाजा लगाया गया है, जबकि पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार कार्य की स्वीकृत राशि में सिर्फ 48,000 से अधिक शेष बचे हैं। वहीं राशि निकालने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया है। ये स्वच्छता परिसर भवन है जो 2019 में इसको मंजूर किया गया था। इसकी राशि, स्वीकृत राशि इसकी 3,84,000 रुपये बताया गया था। अब इसके आधार पर आज दिन दिनांक तक इसका पलस्तर भी नहीं किया गया है। ये कमरे अभी भी हनुमान जी बाबा के दरबार में इनको निर्माण कार्य किया गया है। सामुदायिक शौचालय जो है एक उसकी प्रथम किस्त पंचायत ने निकाल ली है, दूसरी किस्त पंचायत ने अभी नहीं निकाली है। तो दूसरी किस्त निकालने के लिए मेरे द्वारा भी लगातार वर्तमान सरपंच सचिव को बोला जा रहा है कि भाई दूसरी किस्त निकाल करके इसके काम को जल्दी पूर्ण कराएं, जिससे कि लोगों को उसका सुविधा दी जा सके। रही दूसरी जो मुख्य रोड पर शौचालय है, उसमें पहले पानी टंकी थी, तो कुछ लोगों के द्वारा पानी टंकी उसको निकाल दी गई, और चूँकि वहाँ पर जो पहले बोर था उसके द्वारा पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो भुगतान पूरा होने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं जो हैं वो अधूरी पड़ी हैं। जिम्मेदारों की मिलीभगत से जो राशि है वो निकाल ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां निर्माण कार्य के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कवर खान जुड़ चुके हैं। कवर खान जी, क्या पूरा मामला है? उदय, ये पूरा मामला नरवत जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हथेड़ा से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा लोगों की, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया गया था जी। लेकिन यहाँ शौचालय का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि इसकी राशि पूरी निकाल ली गई है जी। मौके पर जब ग्रामीण में वहां पहुंचा, वो मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि ये दो शौचालयों का निर्माण कराया है, एक हथेड़ा गांव में, दूसरा मेहावरा में। तो हथेड़ा गांव में जो निर्माण कार्य कराया है उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो बनने के बाद में पूरा बंद पड़ा हुआ है जी। और दूसरा जो मेहावरा गांव में निर्माण इन लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया है, तो उसमें 3,48,000 रुपए की टोटल राशि से निर्माण कार्य पूरा होना था, जिसमें कि 2,99,000 लगभग राशि निकाल ली गई है, और निर्माण के नाम पे सिर्फ वहां 2 कमरे ही बने हुए दिखाई दे रहे हैं जी। अगर बात करें तो हम एमके न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर, ये मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या इस पूरे मामले में अब उचित जांच की जाएगी? प्रशासनिक अधिकारियों में जो यहाँ स्वच्छता नरवर जनपद में जो स्वच्छता अभियान के समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है, जब उनसे इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने भी जवाब लीपापोती देते हुए, बात करते हुए, उन्होंने गुमराह करते हुए जवाब दिया जी। धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए।